नमस्ते जॉन, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। छोटा सा टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक पर पूछा जाने वाला टॉपिक है। हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कुछ चीज़ें, जैसे ये थे भारतीय विद्वान हैं और उनके संरक्षण, जो कुछ कवि हुए, कुछ विद्वान हुए, कुछ राजवैद्य हुए हैं, वो किसके शासनकाल में हुए या उनका संरक्षक कौन था, कई बार पूछा जाता है। कौटिल्य के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, अपना हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है और हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो इस तरह से कई सारे विद्वान हुए हैं। तो जानते हैं कि मतलब हरिशेर तो एक बहुत मतलब बड़े राइटर भी रहे हैं। ये थे समुद्रगुप्त, इनके जो संरक्षक थे, इनका जो शासन शासक थे उस टाइम पर, वो थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट आता है कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, बहुत ज्यादा बार पूछा गया कि अर्थशास्त्र लिखी, बार बार क्वेश्चन आता है इस पर। और ये किसके मतलब किसके शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। इनके जो उस टाइम पर शासक थे, या जिन्होंने इन्होंने मौर्य कालीन चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था जो अर्थशास्त्र में बताई है, बहुत अच्छे तरीके से बताई है, बहुत विद्वान माने गए हैं। अब आते हैं अश्वघोष। अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, कई बार एक साथ पूछ लिए जाते हैं कि चार ऑप्शन में चारों ये तीनों दिए होते हैं और एक जैसे मान लो चंद्रोदय दे दिया जाए, तो पूछ लिया जाता है कि अश्वघोष के जो उसमें से विद्वान में थे, इनमें से कौन सा नहीं था, सॉरी कनिष्क शासक के शासनकाल में कौन सा विद्वान नहीं था। तो अश्वघोष, नागार्जुन, चरक तीनों उसके कनिष्क के शासनकाल में ही आते हैं। तीनों का जो शासक था वो कनिष्क ही था। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बस एक को हटा देंगे या फिर कोई सा एक चरक के जैसे चरक संहिता इन्होंने लिखी थी, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कि चंद्रोदय, चंद्रोदय तो ऐसा क्वेश्चन है कि चंद्रोदय पर क्वेश्चन से हिंदी में हिस्ट्री में आए तो हिंदी में आ जाता है, आ ही जाता है। कैसे चंद्रोदय की पूछ ले जाती है कि पृथ्वीराज राजस्व किसने लिखी, वो चंद्रोदय लिखी और किसके ऊपर लिखी थी, पृथ्वीराज चौहान। बहुत इंपोर्टेंट है चंद्रोदय। फिर आते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन का इनके शासक थे उस समय। फिर कालिदास आते हैं और धन्वंतरी। कालिदास और धन्वंतरी दोनों ही विक्रमादित्य जो थे, विक्रमादित्य किसको कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार बनता है, इन्हें विक्रमादित्य कह दें या चंद्रगुप्त द्वितीय, कई बार नाम पूछा जाता है कि जब विक्रमादित्य किसको कहा गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया। द्वितीय ऐसे लिख लें या द्वितीय इस तरह से लिख लें, बात एक ही होती है। फिर आते हैं जीवक। धन्वंतरी जो थे उनके राज्य वैद्य थे विक्रमादित्य। फिर आते हैं जीवक। जीवक राज वैद्य थे बिंबिसार के। बहुत ज्यादा बार पूछा जाता हुआ क्वेश्चन है कि बिंबिसार के थे राज्य वैद्य। एक तो क्वेश्चन इस पे ये बनता है और एक क्वेश्चन इस पे कई एक नाम आता है, चंड प्रदोत जो एक शासक थे बिंबिसार ने जीवक अपने राज्य में थे उनके यहाँ चिकित्सा के लिए भेजा था। ये वाला क्वेश्चन जो जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम है उसमें बहुत बनता है कि बिंबिसार से जीवक का कनेक्ट करके चंड प्रदोत आ जाता है, एक नाम है चंड प्रदोत, यहाँ का कनेक्शन डाल दिया जाता है तीनों का। तो ये हमारे भारतीय विद्वान हैं, छोटे छोटे टॉपिक को हल्के में ला लिए, छोटे छोटे टॉपिक के बड़े बड़े नंबर दिलाते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ सिंपल सा टॉपिक है, कुछ चीज़ें हमें पता भी होती है अगर हम पढ़ते रहते हैं, और कुछ चीज़ें हमें जाननी होती है, समझ लेते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।